तो दोस्तों आ गए है मेरा भाई जो कि अभी अभी उठ रहा मेरे ख्याल से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता बग्या, आपका देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत चीड़ के पेड़ों से। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ आज मायके। आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं ना घर नहीं जाऊँगी, आज मैं ऊपर जाऊँगी डांडा की ओर। तो आज का व्लॉग ना सबसे अलग होगा क्योंकि चौलाइन के खेत होंगे, इंटरेस्टिंग व्लॉग बनेगा आज का। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या होता है मायके में आज ना। ब्लॉगिंग ना मैं आधा रास्ते से करना स्टार्ट किया क्योंकि घर से मेरी बहन का फ़ोन आ गया था और मैं बात करते करते आ रही थी और इसलिए घर से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम मिला है। तो दोस्तों मेरी छोटी वाली बहन आ रखी है मेरे को लेने क्योंकि मैंने बोला कि मेरे को डर लगती है भाई। पहले तो जाती थी मैं अकेले डाना, लेकिन अब डर लगता है जाने में, तो इसलिए मेरी बहन आ रखी है घर। और मेरी बहन तो नीचे से आएगी और मैं तो सड़क की सड़क जाऊँगी। फिलहाल ना मैं सड़क की से जाऊँगी और उसके बाद मिलेगी मेरी बहन मेरे को। तो देखते हैं कहाँ पर आती है मेरी बहन। डांडा का रास्ता ना हमारा जंगली जंगल से है, तो जंगली जंगल में ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए अपनी बहन बुलाई है मैंने लेने के लिए। चलती हैं। मुझे मेरी फूफी जी मिली और मैं वहीं पर भूल गई बातें करते करते, और मेरी सिस्टर मेरा इंतज़ार यहाँ कर रही है। तो देखती हूँ मैं कहाँ पर है मेरी सिस्टर। गई मेरे को मेरी सिस्टर और जो कि इंतज़ार कर रही है रास्ते में बैठ के। और क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है? हाय, कितना लेट हो गया है ना, बहुत लेट से इंतज़ार कर रही मेरी सिस्टर यहाँ पे बैठकर। तो मैं वीडियो बनाने फिर लगी थी और मेरे को ये पता भी नहीं था कि सरोजनी ने मेरे लिए प्रणाम नहीं किया, तो अभी कर रही प्रणाम। तो क्या बोले, ऐसा ही होता है, हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों मैंने ना रास्ते में आते आते एक अखरोट भी पा लिया। ये वो का अखरोट जो कि काटा था, और एक होता हमारे यहाँ काटा अखरोट और एक होता दांते और एक होते कागजी अखरोट। तो लेकिन ये बहुत कठोर अखरोट था और एक हम कहते हैं गांव में से काठे अखरोट। तो उसकी दीवी भी नहीं आई, वो निकल गया नीचे पतली गली से। दुकान पे गई थी और जिस दुकान पे मैं गई थी ना वो हमारी फेवरेट दुकान थी पहले स्कूल के टाइम पर, और हम जलेबी एंड पकौड़ियाँ। दोस्तों ये हमारा स्कूल यहीं पर और यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों स्कूल की ना छत ही छत दिखाई दे रही है यहाँ से, और वहाँ से तो मैं अंदर जाने लगी थी लेकिन वहाँ गेट लगा है, और पहले हमारे टाइम पर ना नहीं था वहाँ गेट, और इस बार ना गेट लगाया। कब लगा सरोजनी वो गेट? आजकल, आजकल ही। तो दोस्तों आज ही कल लगा बस गेट वहाँ पर,
तो नहीं जा पाई हम। सोचकर आ रही थी गोल्डानी से, क्योंकि मैंने कहा आज मैं अपने स्कूल पे भी जाऊंगी और वहाँ तो गेट बंद है तो कहाँ कैसे जाएं। तो सरोजनी तो कुरकुरे खाने लगाई और मैं भी खाती हूँ। पहले ना ये खेत दिखाई दे रहा है, इस पर बहुत अच्छी फसल होती थी पहले, और अब देखो कैसी घास जमी है 2-3 साल से मेरे ख्याल से। तो तब तो ये चलती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो धीरे धीरे ना गांव में लोग खेत छोड़ने लग गए हैं। तो दोस्तों यही ना बांध का बहुत घना जंगल है, देखिए कितना घना जंगल है। तो यहीं पर मुझे डाल दोस्तों कसम से बहुत थकान हो गई है और अभी तो बहुत दूर है हमारा घर। पहले स्कूल के टाइम था ना, हम यहाँ पे बैठते ही बैठते इस पत्थर के ऊपर बैठते ही बैठते है ना सरोजनी, बहुत मज़ा आता था स्कूल के टाइम में। कोई इस पेड़ में बैठता था और कोई उस पेड़ में बैठता था, मज़ा ही आ जाता था। शादी के बाद ना मैं आ रहा, लेकिन बहुत चेंजेज आ रखे हैं हर किसी चीज़ में। तो देखिए यहाँ पे तार वार भी लगी है। मन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत चेंजिंग आ रखा है। मास्क ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिटी में आए हैं हम, बहुत बदलाव आ गए हैं तब से जब से मेरी शादी हुई है। लेकिन दोस्तों तब हमसे बहुत ही सुकून मिल रहा है। यहाँ से ना बहुत खतरा था नीचे, अगर कोई नीचे पड़ जाता ना तो उसने तो मारना ही था, बचना तो नहीं। तो अब देखिए बैठने के लिए भी सुविधा है और यहाँ से जंगली जानवर भी नहीं जाते हैं खेतों में, क्योंकि खेतों में जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं। तो ये बाढ़ अच्छी लगी है, ये तार बाढ़ तो ऐसे हमारे गांव में भी लग जाता गोल्डानी में, तो अच्छा ही था पर लगता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ना आगे आगे वाले गेट भी लगे हैं जहाँ से कि रास्ता है किसी का, और एक गेट यहाँ पर भी लगा है। बहुत सुविधाएँ आ रही है गाँव में, लेकिन गोल्डानी में कभी नहीं आनी कुछ सुविधा। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक गेट लगा है। अपने ठंडे ठंडे पानी वाले धारे में अब पियेंगे हम ठंडा ठंडा पानी। पहुंच गए हम यहाँ तक अपने दुगड़िया एंड डाना में, और ये है यहाँ पे बंजर खेत है जितने भी है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारी बहुत ही ज़्यादा मस्ती चलती थी, है ना सरोजनी, मस्ती चलती थी हमारी। तो अब यहाँ पे एक गधेरा भी आ गया है फिर से पानी का। हमारे यहाँ गांव में चौलाई के खेत, गोल्डानी में तो वैसे नहीं होते, कोई का सा पेड़ रहता है, लेकिन यहाँ पूरा खेती रहता है। पहले हम यहाँ रहती थी नीचे इस वाले मकान में,
तो अब हम ऊपर रहते हैं, पहले हम लोगों के यहाँ रहते थे और अब हमने खुद का निकाल लिया है ऊपर मकान। तो दोस्तों ये देखिए, जहाँ भी देखे आजकल बंजारी किए थे बंजारी। तो मैं जहाँ भी देख रही हूँ ना, वहाँ बंजारी बंजर खेत दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये सब चलते थे, लेकिन मैं शादी के बाद आ जा रही हूँ तो आ देख रही हूँ तो सब खेत बंजारी दिखाई दे रहे हैं। और पहुँचने वाली हूँ मैं अपने घर पे, क्योंकि तो यहीं पे आ गए हैं हमारा घर। यहाँ पे पानी नहीं आता है क्या? दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अपने घर, और यहाँ पे मम्मी नहीं, मम्मी कहाँ से जाए हैं? माँ कहाँ ली है? माँ अभी घास के लिए जा रखी है। और तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अपने घर पे। तो देखिए कुछ इस तरह से होते हैं डाना के घर, और सुकून मिल रहा है अपने घर में आके यहाँ पर। और घोड़दानी से ना काफ़ी अच्छा है मंदा मतलब हमारा डाना का घर। तो जैसा कि मना गोल्डन के गांव में रह के सुकून मिलता है, वैसे ही यहाँ दाना के गांव में सुकून मिल रहा है। तो दोस्तों आ गया है मेरा भाई, जो कि अभी अभी उठ रहा है मेरे ख्याल से। अभी अभी उठ रहे क्या? वो ये ले रो यही है घास से प्रणाम कर। तो सब मेरे को प्रणाम करना भूल रहे हैं क्या? यहाँ पे अब बिजली भी आई है, पिछली बार आई बिजली तो तब आने लगी थी जब मैं यहीं थी। और इस मकान पे भी हम अभी फर्स्ट बार ना हम आए हैं सरो या सेकंड बार। और मैं ना शादी के बाद ना यहाँ एक बार भी नहीं रही, शादी से पहले भी नहीं, और मैं आज फर्स्ट बार आ रही हूँ यहाँ जब से ये मकान बना है। क्योंकि तब बन रहा था ये जब मेरी शादी के 3 माह गए थे, और 3 माह बाद हुई थी मेरी शादी, तब तक तो इसका काम ही चल रहा था, तो पूरा भी नहीं हुआ था जब मैं यहाँ थी। और अभी ये पूरा हुआ है। और इस कारण यहाँ ऊपर मेड़ नहीं धरा था हमारे गांव में, पहले मेड़ धरे जाते हैं, उसके बाद ऐसे मिट्टी वाले कमरे बनते हैं, और वो तो बन गया था पिछली बार। तो ये नहीं बना था, अंदर से नहीं बना था। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है ये बातें कि सचिन का फोन का कैमरा अच्छा नहीं है बोला, और ये स्टैंड ला रखा है, देखे कितने का है। तो दोस्तों देखे, दोस्तों टाइम भी दिन के 12 बज गए हैं, और अब हम खाना पीना खाते हैं, और ये लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, अंधेरा है यहाँ। दो टेस्ट हो रही खीर, गीली खीर अच्छी होती है ना। क्या समझा दिया साबुन लेने? तुझे तो साबुन दे दे। अभी प्यारी सी धूप खिल गई है, सुबह से तो मौसम खराब ही था, और हमने तो खाना पीना भी खा लिया है। अब दूसरा बैल, एक बैल हमारा घोड़दानी है, और दूसरा बैल ये हमारा एकदम वाइट है, वो रेड है और ये वाइट है। आप सचिन इसे चलाने जा रहे हैं ना, मारेगा भी मेरे को नहीं।
लोकेशन है यहाँ का, पहाड़ी पहाड़, ऊपर से नीचे से पहाड़ी पहाड़ और बीच में हमारा घर। कितना अच्छा लोकेशन है दोस्तों यहाँ। तो ये अखरोट दिए हमें लोगों ने दिए हमारे लिए अखरोट है ना। सचिन बोल रहा मेरे भाई हमारा पेड़ नहीं है, तो ये लोगों ने दिए है ना अंजलि। बकरी में आ रहा चढ़ी वाल नीचे पेड़ में और है? वाल हमें हमारे लिए अखरोट दिए आ रहा मैं। और मैं भी खाती हूँ एक दो दाने। कैसे बोल दे मैंने बैल अच्छे होते हैं वैसे ये अखरोट। हम बहुत ज्यादा खाते थे चोरी करके। हाँ चोरी करते थे हम, जंगल जाते टाइम चोरी करते थे। देखो गाइस मेरे दीदी मायके आ रखी है और मेरा भाई वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ जा रहा है। और मेरी मम्मी वहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। अब ये लोग घर जा रहे हैं। तो दोस्तों निकलते हैं ये अमीर भाई। बाय बाय। बर्थडे का दिन हुआ आ रहे बर्थडे। तो दोस्तों आसमान भी ना बहुत तेज खराब हो गए हैं और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको घर जाके, क्योंकि अब मैं मेरे को ज़्यादा नहीं बचा है जाने का। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं घर और कपड़े कुपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। अंधेरा भी हो चुका है और लाइटें भी जला दी है हमने। और तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता बग्याल मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।